बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम रहायशी साइमा लग्जरी होम ये जानते हैं कि मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले साल भी ये क्रिकेट टूर्नामेंट सोसाइटी में किया था, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा होने जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट टूर्नामेंट को हमने इस दफ़ा शोहदाए एपीएस के नाम से मंसूब किया है और ये इंशाल्लाह इसी सिलसिले में हमारी जो तकरीब होने जा रही है 11 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़े मगरिब, इस तकरीब में इंशाल्लाह शोहदाए एपीएस के जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआया तकरीब होगी और छोटे बच्चों की एक टेबलो जो बच्चे शोहदाए एपीएस के हवाले से पेश करेंगे। मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट टूर्नामेंट जो मुनक्कद होने जा रहा है उसके सिलसिले में ऑक्शन सेरेमनी भी इंशाल्लाह 11 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़े मगरिब ये तकरीब शुरू हो जाएंगी। आप तमाम रहायशियों से, ख़वातीन हजरात से, फैमिली से दरख्वास्त है कि बाद नमाज़े मगरिब सलीम ज़की ग्राउंड साइमा लग्जरी होम तशरीफ़ ले आएँ और दुआया तकरीब में शमूलियत करके सवाब दारायन हासिल करें। इस तकरीब में बहुत से सियासी, समाजी और फोर्सेस के मेहमान खसूसी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। इसमें इंशाल्लाह बच्चों के लिए टेबलो भी है और मेहमानान गरामी जो आएंगे हमारे वो भी इंशाल्लाह खिताब करेंगे और ये तकरीब इंशाल्लाह 11 दिसंबर बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो हम सब मुंतज़िर हैं, वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान और तमाम जो क्रिकेट मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट टूर्नामेंट की जो इंतज़ामिया है वो आपकी वहाँ पे मुंतज़िर होगी और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट जो आपके लिए सजाया जा रहा है ये इंशाल्लाह 11 दिसंबर बाद नमाज़े मगरिब सलीम ज़की ग्राउंड साइमा लग्जरी होम तशरीफ़ ले आएँ। इंशाल्लाह ताला ऑक्शन सेरेमनी के बाद जो मेहमान आएंगे, जो आप सोसाइटी के हजरात ख्वातीन हजरात आएंगे, उनके लिए खाने का भी अहतमाम किया गया है। तो आप तमाम ख्वातीन हजरात फैमिलीज तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाएँ। बहुत शुक्रिया।